कर्नाटका के डिप्टी सीएम रहे केएस ईश्वरप्पा के बेटे केई कांतेश ने बेंगलुरु की कोर्ट से 50 मीडिया हाउसेस के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया है, जिसमें कहा गया है कि उनसे जुड़ा कोई भी अश्लील वीडियो या ऐसा कंटेंट पब्लिश या अपलोड न किया जाए। इसी तरह का स्टे कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा के अलावा राज्य के 14 विधायक और पूर्व मंत्री भी ले चुके हैं। उन्हें डर है उनके अश्लील वीडियो बने हैं और उन्हें किसी भी वक्त वायरल किया जा सकता है। लेकिन क्यों? क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो किसने किया है? क्या कर्नाटक के उन मंत्री और नेताओं का डर सही है? क्या वाकई उन्होंने कुछ गलत काम किया है जिससे उनकी बदनामी हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं आज के इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव शुरू होने से चंद दिन पहले दक्षिणी राज्य कर्नाटक में एक ऐसा नाटक शुरू हुआ जिसके एपिसोड रह रहकर टेलीकास्ट और वायरल किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल को कर्नाटक के हासन जिले से। वहां 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, लेकिन तभी एनडीए कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते भी हैं, उनसे जुड़े हजारों अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना की ये वीडियो एक साल पहले से पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन चुनाव के ठीक 3 दिन पहले वायरल करके तहलका मचा दिया गया। अब पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल को इससे कितना नुकसान होता है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि आने वाले दिनों में और भी नेताओं के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल होने की आशंका है। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट का सनसनीखेज दावा है कि राज्य के करीब 14 नेताओं के अश्लील वीडियो बने जिनके वायरल होने के डर से ये तमाम नेता अलग अलग सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले चुके हैं। इस लिस्ट में मौजूद विधायकों से लेकर कई पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। अगर आपको बता दें, कर्नाटक की राजनीति में ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव के बाद किसी नेता के अश्लील वीडियो सामने आए। पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाओं में कई गुना इजाफा हुआ, जिनमें से कुछ तो बाद में फर्जी भी निकले। कुछ मामलों में पीड़ित पक्ष ने शिकायत वापस ले ली तो कुछ मामले इतने बदनाम हुए कि उनसे जुड़े नेताओं का पॉलिटिकल करियर ही खत्म। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्नाटक की राजनीति में अश्लील वीडियो किसी ब्लैकमेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए अश्लील वीडियो पर रोक लगाने के लिए नेता कोर्ट से मदद मांग रहे हैं। ऐसे कुछ नेता केई कांतेश और पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा का नाम हम आपको बता ही चुके हैं। ऐसे तमाम नेताओं को डर है कि उनके खिलाफ कोई अश्लील वीडियो मीडिया में न आ जाए। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता एस लक्ष्मण कहते हैं कि 2017-2018 से ही इस तरह के स्टे लेने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस लिस्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं के नाम शामिल हैं। डर्टी वीडियोस के इस खेल कौन कौन शामिल है या कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ऐसे 5 हाई प्रोफाइल मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश भर में सुर्खियां बटोरी और नेताओं का सियासी करियर चौपट कर दिया। पहला मामला, साल 2007 में इस तरह का सबसे पहला मामला सामने आया था जब बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य का एक महिला को किस करते और गले लगाते फोटो वायरल हुआ था। फोटो में नजर आ रही उस महिला ने खुद ही उसे वायरल करते हुए रेणुकाचार्य पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता ने उन आरोपों का खंडन किया था। दूसरा मामला, साल 2013 में बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट के सेक्स स्कैंडल का एक वीडियो खूब उछला जो मुंबई के एक लाउंज का बताया गया। एक लोकल टीवी चैनल में इस वीडियो को चलाया भी गया। भट्ट ने वीडियो को फर्जी बताते हुए विरोधी दलों पर अपनी इमेज खराब करने का आरोप लगाया। देश भर में हुई किरकिरी के बाद उन्होंने फिर कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तीसरा मामला, साल 2016 में कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर H.Y. मेती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 70 साल की मेती एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे। लोकल चैनल्स पर यह वीडियो खूब दिखाया गया, जिसके बाद मेती को सिद्धारमैया सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। चौथा मामला, साल 2019 में कर्नाटक के बीजेपी महासचिव अरविंद लिंबवली का एक अश्लील वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वो एक लड़के के साथ नजर आ रहे हैं। लिंबवली ने वीडियो को फेक बताते हुए उसे सियासी चाल बताया और खुद को बदनाम करने के आरोप विपक्षी दलों पर लगाए। शिकायत के बाद कार्रवाई की गई, जांच में वीडियो फर्जी पाया गया, लेकिन तब तक उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका। पांचवा मामला, साल 2021 में कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रहे रमेश जगकीहोली को भी इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे जगकीहोली का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे थे। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहल्ली ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था
कि जग्गी होली ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपों में घिरने के बाद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बालचंद्र ने इसकी जाँच CID या फिर CBI से कराने की मांग की। जग्गी होली ने वीडियो के फेक होने का दावा करते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और वीडियो में दिख रहा शख्स मैं नहीं। बाद में शिकायतकर्ता ने भी शिकायत वापस ले ली और ये केस बंद हो गया। तो कर्नाटक में चल रहे इस पूरे नाटक के बारे में बात करते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक चंदारगी बताते हैं कि इस राज्य में एक सिस्टमैटिक नेटवर्क है जो चुनाव के वक्त एक्टिव हो जाता है। साल 2008 के बाद से कर्नाटक में CD फैक्ट्री चल रही है। बदनामी के डर से करीब 14 से ज्यादा नेता कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला चुके हैं। चंद्रारी के मुताबिक 1 से 2 लाख रुपए में इस तरह के वीडियोस आसानी से बन जाते हैं। कुछ केसेस में तो AI का इस्तेमाल करके वीडियो बना लिए जाते हैं। ज्यादातर वीडियो फेक होते हैं या एडिटेड निकलते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का केस में भी 3000 से ज्यादा वीडियो वायरल किए गए, उनमें एक ही वीडियो तो मल्टीपल टाइम्स वायरल किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियोज के साथ छेड़छाड़ कर उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन खुलासा तो SIT की जांच के बाद ही हो पाएगा। अशोक चंदारगी कहते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो सेक्स वीडियोस को टूलकिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 10-15 सालों में इस तरह के मामले तेजी से बढ़े हैं। ज्यादातर मामलों में नेताओं के इस्तीफा देने के बाद न्यायिक जांच और कानूनी लड़ाई चलती रहती है। जैसे येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रहे जग्गी होली का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसकी विश्वसनीयता आज तक साबित नहीं हो पाई। उस तरह लिम्बावली का वीडियो तो बाद फेक भी निकला। एक्सपर्ट्स की माने तो कर्नाटक में अब तक जो भी मामले सामने आए उनमें से 70% सही पाए गए, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पीड़ित ही बाद में अपना केस वापस ले लेते हैं। ये मामले अक्सर चुनाव के समय उछाले जाते हैं। नेताओं के खिलाफ इसे पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। प्रज्वल रेवन्ना का केस में भी अगर पीड़ित पक्ष अपना बयान बदल लेता है तो केस ही बंद हो जाएगा, तब तक चुनाव निकल जाएंगे। इसके अलावा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि ये सब ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, जिससे रेणुकाचार्य के केस में उनके और उनकी महिला पार्टनर के बीच विवाद हुआ था जिसके बाद खुद उस महिला ने फोटो वायरल कर दी। इसी तरह अरविंद लिम्बावली पर जो आरोप लगे थे वो सही साबित हुए थे। उन्हें एक रिपोर्टर ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने रिपोर्टर को वीडियो के बदले पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि फोरेंसिक लैब ने जांच के बाद वीडियो को फर्जी बताया। घटना के बाद लिम्बावली का करियर खत्म हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट का दावा है कि कर्नाटक में हनी ट्रैप के मामले आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और एक बहुत आम बात हो गई। इस मामले में पूरे देश में कर्नाटक सबसे ज्यादा बदनाम राज्य है। कहते हैं वो कि कांग्रेस को तोड़कर BJP ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी, उस वक्त कांग्रेस विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया। दावा है कि वहीं पर कई नेताओं के वीडियोस बनाए गए थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन फिर भी मामले में ऐसे नेता इस पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं। बात करें प्रज्वल रेवन्ना केस की तो इसमें कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार और उनके 4 मंत्रियों का हाल बताया जा रहा है। रेवन्ना के वकील देवराज गौड़ा का आरोप है कि शिवकुमार ने उन्हें PM मोदी, BJP और JDS नेता HD कुमारस्वामी की इमेज खराब करने के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इस बारे में जब DK शिवकुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेवन्ना के वकील का मानसिक संतुलन खराब है। इस मामले की जांच तो अब लंबी चलने वाली है। इतना तय है कि आने वाली 4 जून को पता चल जाएगा कि कर्नाटक की जनता प्रज्वल रेवन्ना के साथ है या उसे भी लगता है वाकई रेवन्ना ने उस कारनामे को अंजाम दिया है जिसकी गूंज आज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।